वेलकम अगेन दोस्तों, यूनी एंजाइम टैबलेट के बारे में आप लोगों को थोड़ी जानकारी देता हूँ। ये खाना पचाने में हेल्प करती है, तो इसी टैबलेट के बारे में ये आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे काम करता है, कितनी मात्रा में आपको लेना है, कितने दिन तक लेना है, क्या नुकसान हो सकते हैं और किन किन कंडीशन में आप इस यूनी एंजाइम टैबलेट को ले सकते हैं, तो ये हम लोग जानने वाले हैं। यूनी एंजाइम टैबलेट की बात करें तो ये अगर किसी का खाना नहीं पच रहा है, वजह कोई भी हो सकती है, तो खाना आपके पेट में सही से नहीं पच रहा हो, या तो ज़्यादा एसिड बन रहा हो, या तो पेट के अंदर जलन हो रही हो, गैस ज़्यादा बन रही हो, खट्टी डकारें आ रही हो, पेट भारी लग रहा हो, तो उस कंडीशन में रिकमेंड किया जाता है थोड़े दिन के लिए, ताकि आपका जो खाना है वो सही से पचने लगे और जो गैस की समस्या है, पेट दर्द की समस्या है, वो ठीक हो जाए। तो इसलिए ये एक ऐसी टेबलेट है जो कि थोड़े दिन के लिए बेसिकली जो फूड है वो डाइजेस्ट हो, उसके लिए ये सपोर्ट के रूप में लिखा जाता है। स्पेशली ऐसे लोगों में जिनमें कोई बीमारी अभी चल रही हो, या ऑपरेशन कराए उसके बाद दे सकते हैं, या उम्र ज़्यादा है तो खाना नहीं पच रहा है, तो कोई इस तरह की वजह हो तब ये टैबलेट को रिकमेंड करा जाता है। अब ये जो यूनी एंजाइम टैबलेट होती है, जो यूनी एंजाइम नाम से जो ये टैबलेट आती है, इसमें तीन चीज़ें होती है, तीन साल्ट होता है। एक तो डायस्टेज होता है, फंगल डायस्टेज। क्या करता है ये? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब जो कि अनाज के अंदर पाया जाता है, तो उसके डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। दूसरा इसके अंदर होता है पपेन होता है। पपेन क्या करता है? प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। और तीसरा होता है एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल क्या करता है? जो पेट के अंदर गैस है उसको एब्जॉर्ब करता है, या एसिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, एक कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, दूसरा प्रोटीन के डाइजेशन में, और तीसरा गैस एसिडिटी को कम करता है। इसलिए ये टैबलेट आपके पेट के अंदर जो भारीपन है या अपच की समस्या है उसमें हेल्पफुल होती है। तो ये तो जो यूनी एंजाइम टैबलेट है उसके बारे में जानकारी हो गई। यूनी एंजाइम नाम की सिरप भी होती है, और यूनी एंजाइम प्लस सिरप भी करके आती है, तो उसके अंदर भी इसी तरह के कंपोनेंट रहते हैं, थोड़े से अलग रहते हैं, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस रहता है। बहरहाल अभी टैबलेट की बात करते हैं कि ये टैबलेट आपको कैसे लेनी है या कितने दिन तक लेनी है। तो चूंकि ये खाना पचाने की टैबलेट है, तो इसको आपको खाना खाने के बाद ही लेना है, आप पानी के साथ ले सकते हैं, और दिन में दो बार, सुबह शाम, या कुछ लोग सिर्फ एक बार ले सकते हैं, रात में ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको इनडाइजेशन कितनी समस्या है। इसको हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन इतना ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लगातार लेते रहें, क्योंकि इसके अंदर जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम है ये आपको सपोर्ट देने के लिए है। आपका शरीर तो ऑलरेडी बनाता है, लेकिन ऐसे लोग जिनके किसी वजह से अभी इनडाइजेशन की समस्या हो, खाना अच्छे से ना पच रहा हो, तो ये बाहर से एक तरीके से सपोर्ट के रूप में ये दिया जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कि आप खाए जा रहे हैं महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, उससे फिर आपको, आपके शरीर को यूनी एंजाइम टैबलेट की आदत लग जाएगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर इस यूनी एंजाइम टैबलेट के साइड इफेक्ट की बात करें, तो ऐसा आप समझें कि बहुत ही कम एक तरीके का साइड इफेक्ट है, बहुत ही सेफ दवा है, आप आसानी से ले सकते हैं। कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, कुछ लोगों को कब्ज लग सकती है, स्टूल थोड़ा सा डार्क हो सकता है, और अगर आप ज़्यादा डोज में ज़्यादा दिन तक खाएंगे तो पेट दर्द हो सकता है। तो ये इस तरीके से इसका नुकसान है, मतलब कहने का ये कि काफ़ी ये सेफ दवा है। कीमत की बात करें तो आपको ये एक टैबलेट लगभग ये 5 रुपये या 6 रुपये के आसपास पड़ेगी। टोरेंट फार्मास्यूटिकल द्वारा ये टैबलेट बनाई जाती है। तो ये यूनी एंजाइम टैबलेट जो कि इंडिया में बहुत यूज होती है, आप अपने से भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, और कई बार इसको डॉक्टर भी लिखते हैं जब किसी को खाना नहीं पच रहा होगा। तो ये कैसे काम करती है, क्या क्या होता है, वो मैंने आप लोगों को जानकारी दे दिया है। थैंक यू।